कि न्यायपालिका देश की विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है और जनता अपनी समस्याओं के समाधान और न्याय के लिए न्यायपालिका का दरवाजा ही खटखटाती है। भारतीय संविधान में निचली अदालतों का प्रावधान है, जिनके फैसले से अगर शख्स संतुष्ट नहीं है तो वो उच्च न्यायालय जाता है और बाकी अदालतों की तरह देश के किसी भी उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट में अधिवक्ता आपकी तरफ से आपका केस लड़ते हैं और न्यायाधीश उस केस में फैसला सुनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम की अनुशंसा और फिर देश के राष्ट्रपति की मंजूरी से होती है? क्या आप जानते हैं कि उच्च न्यायालय के हर न्यायाधीश को दो शपथ लेनी होती है? यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी अधिवक्ता को अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उनकी दो शपथ होती हैं। पहली बार में वो न्यायाधीश हाईकोर्ट के एडिशनल न्यायाधीश होते हैं और दो साल तक बतौर एडिशनल जज काम करने के बाद उनका कन्फर्मेशन होता है और फिर वो बतौर कन्फर्म्ड जज शपथ लेते हैं। अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि एक न्यायाधीश को पहले एडिशनल जज के रूप में शपथ दिलाई जाती है और फिर उन्हें दो साल का समय दिया जाता है, जिसके बाद ही उन्हें कंफर्म किया जाता है। इस दो साल के अंदर जज के काम, उनके मामलों, फैसलों और कंडक्ट के आधार पर उन्हें कंफर्म किया जाता है। इतना ही नहीं, ये दो साल की अवधि खुद जज के लिए भी होती है ताकि वो समझ सकें कि उनका काम क्या है और ये किस तरह होता है और उन्हें इसे करने में अच्छा लग रहा है या नहीं। बता दें कि एक एडिशनल जज चाहे तो परमानेंट होने से पहले इस्तीफा दे सकता है और अपने पेरेंट कोर्ट में ही वापस बतौर वकील प्रैक्टिस कर सकता है। अपने ही कोर्ट में प्रैक्टिस करने की सुविधा रिटायरमेंट के बाद नहीं होती और जब इस दो साल के अंदर अगर जज को भी कोई दिक्कत नहीं होती है और कॉलेजियम भी उनके काम से संतुष्ट है तो उनके कन्फर्म होने की अधिसूचना जारी कर दी जाती है और वो तब बतौर कन्फर्म्ड जज शपथ लेते हैं। अब जान लेते हैं जुडिशियल पावर्स में क्या फर्क है। बता दें पद में अंतर क्या है, ये तो समझा जा चुका है, लेकिन आपको बता दें कि एक एडिशनल और कन्फर्म्ड जज की जुडिशियल पावर्स, काम और जिम्मेदारियों में कोई अंतर नहीं है। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में एक मामला सामने आया था जिसकी सुनवाई न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने की थी। इसके तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इस पीठ ने स्पष्ट किया था कि एक एडिशनल जज और एक कन्फर्म्ड जज को किस संवैधानिक प्रावधान के तहत नियुक्त किया जा रहा है, इसका उनके काम और जिम्मेदारियों पर कोई असर नहीं पड़ता है। एडिशनल हो या कन्फर्म्ड, हर न्यायाधीश की जिम्मेदारी और उनके काम बराबर होते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी ओर से दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं और कानून से जुड़ी इस तरह की और भी जानकारी के लिए देखते रहिए माय लॉट।